शांति। आज की तारीख है 3/1/15 और आज है विशेष महिला मुक्ति दिवस। महिला मुक्ति तो क्या, लेकिन स्वयं परमपिता परमात्मा जो कि कन्याओं, बहनों, माताओं, महिलाओं पर ज्ञान कलश रख करके और सारे ही विश्व को इन 5 विकारों की जंजीर से कहो या दुख दर्दों से और अपवित्रता से कहो, पीड़ाओं से कहो, दुखों से कहो, अशांति से कहो, पूरे विश्व को मुक्ति दे रहे हैं। तो ऐसे मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है तो क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं, श्री मत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। वो नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, वो आएंगे लेकिन हम अपनी संभाल करें। प्रश्न है आज का, पाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है, क्योंकि बाप समान तो हम बच्चों को बनना है। उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। कितना प्यार से बाबा हमें हीरा बना रहे हैं कौड़ी से। तो ऐसे हम बच्चों को भी, अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। बाबा कहते और कोई तकलीफ मैं नहीं देता हूँ, कहता हूँ सिर्फ मुझे याद करो, तो हीरे जैसा बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। सच्ची कमाई कौन सी है? यह अविनाशी ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन और समय का धन। ये सब संपत्तियां मीठे मीठे बाप दादा ने हमारे खजाने में जमा की है, जमा कर रहे हैं और भी जमा कराते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। बाबा कहते, किसी से भी तुम्हें न स्थूल धन उधार लेना है, ना ही तुम्हें अविनाशी धन को भी उधार लेने की आवश्यकता है। गीत बजा है, बहुत अच्छा, बहुत पुराना गीत है। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, ले चल तो वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2 है, सच्ची कमाई करनी है और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। अब बाबा से पुराना देकर बदली में नया लेना है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है आज का, अपने डबल लाइट स्वरूप के द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप
और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप के द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। बाबा कहते सीधा जंप लगाओ डबल लाइट के द्वारा। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, पंख लगा के पत्थर को पार कर ले, उड़ के चले जाएं। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। मंजिल को देखो तो ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ में तेजी आ जाएगी। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रहे हैं, उस ही श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।